हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र छात्राएं साल 2023 में बिहार बोर्ड से क्लास नाइन्थ में एडमिशन लिए हैं, उन सभी छात्र छात्राओं का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की शुरुआत आज से होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में बताऊंगा कि बिल्कुल जो है लाइव टू लाइव में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और छात्र को कौन सी गलती नहीं करना है, जिससे जो है आगे चलकर आपको किसी तरह कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं क्या कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर तो लेते हैं, लेकिन जो है वो प्रूफ जो है ना नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण जो है जब ही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाता है तो उसको डाउनलोड करने में बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे इस तरह का कमेंट भी आता है। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में आपको लाइव टू लाइव में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है क्लास नाइन का, इनका सेशन 2023 यानी कि 23 से 25 यानी कि क्लास नाइन का जो वार्षिक परीक्षा होने वाला है 2024 में होगा और उसका मैट्रिक एग्जाम 2025 में होगा, उन्हीं का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो कल से ये शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो है कल जो है ना स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए जो है ये फॉर्म आज से भरा जा रहा है। अपने विद्यालय में जाकर आप इसे भर सकते हैं। तो अभी की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस रूप में जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ साथ जो है आपको है ना कौन कौन से बात को जो है सावधानी बरतना है, उसके साथ साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इससे पहले मैंने आपको जानकारी दे चुका हूं। और उसके अगर आप नहीं जाने देखे उस वीडियो को तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको है ना पूरा करके दिखाता हूँ किस रूप में जो है ना आपको जो ना कैसे जो ना इस फॉर्म को फिलअप करना है, जिससे आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्म का जब भरेंगे तो इसमें आप दो पेन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पेन है आप ब्लू कर सकते हैं और दूसरा पेन है तो ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को यदि हम भरेंगे तो सबसे पहले इस बात को भी याद दे रखें कि सारा का सारा यानी कि कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर ABCD का बड़ा अक्षर में हम लिखेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, जो भी है ना फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस यहाँ पर जो ना एक फोटो दिया होगा यानी कि पासपोर्ट फोटो अपना यहाँ पर चिपका देना है और अपना एक सिग्नेचर करना है। जो भी स्टूडेंट जो ना अपना यानी कि ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कराना चाहते हैं अपने विद्यालय से, तो यहाँ पर अपना नाम जो है ना सिग्नेचर कर देना। और याद रखिए यहाँ पर जो भी नाम जो है सिग्नेचर करेंगे वो इंग्लिश में होना चाहिए, इस बात को याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप TC देकर एडमिशन करा है क्लास नाइन्थ में तो यहाँ पर क्या करना है, रेगुलर टिक लगाना है। अगर आप TC देकर एडमिशन नहीं करा है तो यहाँ पर क्या करना है, प्राइवेट पर टिक लगा देना है इस रूप में। ठीक है, यहाँ पर अपना विद्यालय का कोड लिखना है, इस बात को याद रखना कि विद्यालय का जो वो कोड लिखना है जो अपने ना विद्यालय का होगा, सिर्फ आपके ही विद्यालय का जिसमें आपने एडमिशन कराया नाइन्थ में वही का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अंक का जो है ना विद्यालय कोड डालेंगे और या अगर आपको नहीं पता है तो अपने हेडमास्टर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी नाम है स्कूल का इस तरह में लिख देना नाम, जैसे उच्च और उसके बाद ब्रैकेट छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद माध्यमिक लिख देंगे उसके बाद ब्रैकेट छोड़ देंगे और उसके बाद विद्यालय लिखेंगे ब्रैकेट छोड़ेंगे, उसके बाद जो भी है ना जहाँ का उसका जो एरिया होगा मतलब उस जगह का नाम होगा यहाँ पर जो ना यहाँ पर लिख देंगे। तो याद रखिए विद्यालय का जो भी नाम होगा पूरा का पूरा साफ लेटर में लिखेंगे और जैसे जैसे एक बॉन्ड खत्म होता है समझिए उसके बाद जो है ना क्या करना है कि एक बॉक्स छोड़कर ही भरना है। ठीक है, चलिए आगे बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों का नाम दिया होता है, विद्यार्थियों का नाम हिंदी में डालना है। ठीक है, इस रूप में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख कर रखा हूं। ठीक है, और किसी स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पर हिंदी में दिया गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम है इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर इंग्लिश में जो ना यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, जैसे रंगीता कुमारी लिखा हुआ है तो RANGEET रंगीता हो गया। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देना है, उसके बाद कुमार लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम MD है तो MD लिख देंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे और जो भी नाम है फिर उसके बाद लिखेंगे, जो भी नाम है आगे तो एक बॉक्स छोड़कर लिखेंगे। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर 5 पॉइंट में दिया हुआ माता का नाम, तो माता का नाम हिंदी में लिखे, जैसे ममता देवी यहाँ पर लिखा हुआ है तो हिंदी में लिख दिया। वही जो है नीचे दिया गया है तो इंग्लिश में लिखना है, क्या करना है इसको इंग्लिश में लिखना है। तो MAMTA ममता एक्स, उसके बाद यहाँ पर क्या किया कि मैंने एक बॉक्स छोड़ दिया और देवी लिख दिया। ओके, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर पिता का नाम, तो यहाँ पर राजकिशोर दिया हुआ तो राजकिशोर इस रूप में लिख देना है, 80 दिया हुआ तो जो भी आपके पिता का नाम होगा यहाँ पर हिंदी में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में इसको क्या करना है कि डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ वही डालेंगे। इस बात को भी याद रखेंगे जब मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2024-25 में आप देंगे ना तो मार्च यानी कि 14 मार्च को क्या होना चाहिए, तो 14 मार्च को आपका ना 14 साल पूर जाना चाहिए, इस बात को याद रखना है, या 1 मार्च को 14 साल पूर जाना चाहिए, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो वही आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, जो भी आपको TC में दिया होगा वही आपको डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा, अन्यथा आप जो ना इसका जो है रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि 7वां नंबर पर मैंने आपको फिलअप कर दिया, 8वां नंबर पर क्या करना है, अगर आप मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे टिक लगाएंगे, अगर फीमेल है तो मैंने यहाँ पर फीमेल पर टिक लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना फॉर्म है किसी गर्ल्स का फॉर्म है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनलिटी में क्या करना है, तो आप इंडिया से ही है तो इंडिया पर आपको क्लिक करना है, अगर अदरवाइज से है तो अदर क्लिक करना है, हालांकि आप सभी तो इंडिया से हैं बिहार से, ठीक है, तो इस पर टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 10 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी कास्ट कैटेगरी का मतलब किस जाति से आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर देना है, अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल, ईबीसी एससी आते ईबीसी पर क्लिक करेंगे यानी कि टिक लगाएंगे, और एससी आते तो एसटी से आते जो भी आते हैं, तो इस तरह से आपको टिक लगा देना। ओके चलिए आगे यहाँ पर बता रहा हूँ, डिन डिफरेंटली एबल में क्या करना है, तो देखिए अगर आप जो है ना विकलांग वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे, उसका जो क्या चीज है उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है, क्या चीज से विकलांग यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, जैसे किसी का आंख वगैरह खड़ा हुआ है तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर में रिलीजन पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप हिंदू है तो हिंदू पर क्लिक करेंगे, अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम पर टिक लगाएंगे, अगर सिख पारसी जो भी है आपको यहाँ पर क्या करना है टिक लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया दिया हुआ, तो एरिया का मतलब होता है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, समझिए, तो यहाँ पर क्या करना है कि इस पर टिक लगाना है, अगर आप जो है ना शहर में रहते हैं, ठीक है, शहर का मतलब होता है नगर निगम में रहते हैं, तो यहाँ पर अर्बन पर टिक लगा देना है। उसके बाद 14 नंबर में क्या करना है, तो देखिए मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड, तो देखिए सबको क्या करना, अनमैरिड ही टिक लगाना है, क्योंकि ना जैसे आपका 9th क्लास का जो है ना आपको जो है ये फॉर्म वगैरह भराया जाएगा तो उसमें जो है ना पैसा आएगा, ठीक है, तो पैसा कब आएगा, तो जब जो है ना आप अनमैरिड रहेगा तब पैसा आएगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर क्या करेंगे फिलअप कर देंगे, और यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है, गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट ये समझिए, ठीक है, गलती ये 16 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपके पास आधार नंबर है तो क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है, और 17 नंबर में यहाँ पर जो दिया हुआ सिग्नेचर करने के लिए, इस पर आपको सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना है, इस बात को याद रखना है, बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल नहीं करना है सिग्नेचर, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आप अभी तक आपके पास आधार नंबर यानी कि आधार कार्ड नहीं बना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस अगर बाद में पकड़ाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी आप होंगे और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा, तो इसलिए जो अगर आपके पास आधार नंबर है तो सबसे पहले आधार नंबर ही पंजीयन करेंगे, इस बात को याद रखना, अगर आधार नंबर है तो पंजीयन करने के बाद इसको आपको नहीं बिल्कुल नहीं भरना है, सिग्नेचर यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस रूप में जो यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर यानी कि पलटेंगे तो इस रूप में यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए गौर से, ठीक है, यहाँ पे ये चीज है कि मान लीजिए ना यहाँ पे 18 में दिया हुआ ईमेल आईडी, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर ईमेल आईडी भरेंगे और सारा का सारा यहाँ पर स्मॉल लेटर में इस तरफ पे ईमेल आईडी भरेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ, तो एड्रेस जो भी है आपका है ना, जैसे विलेज लिख दें उसको माइनस, और जो भी विलेज यहाँ पर लिख देंगे, एक बॉक्स छोड़ देंगे, पोस्ट लिख देंगे उसको माइनस करके पोस्ट लिख देंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन लिख देंगे यहाँ पर, और एक बॉक्स छोड़ते जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना पिन कोड डालेंगे, जिस एरिया में रहते उस एरिया का पिन कोड या आधार नंबर पर ही आधार कार्ड पर ही पिन कोड दिया होगा, इस तरह में आपको भर देना है, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट जो भी आपका अकाउंट नंबर है यहाँ पर पूरा का पूरा फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर 11 डिजिट का होता है, यहाँ पर आईएफएससी कोड फिलअप कर लेंगे। उसके बाद बैंक का नाम जो भी बैंक का आपका है समझिए पासबुक, उस बैंक पर यहाँ पर नाम होगा, इस तरह से भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 चिन्ह लगाना है यहाँ पर देखिए, जिससे आपको ना कोई भी एग्जाम अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पहचाना जाए उस चीज से, ठीक है। तो कट ऑफ मोल इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फेस ऑफ मोल इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर में क्या करना है, तो देखिए 24 नंबर में यहाँ पर बताया है कि इनमें से एक ही को टिक लगाना है, पहला बॉक्स में एक ही को टिक लगाना है, ठीक है। तो अगर आप हिंदू है तो यहाँ पर हिंदी में टिक लगाएंगे, अगर आप मुस्लिम है तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर उर्दू में टिक लगाएंगे, अगर आप मैथिली लेना चाहते हैं तो मैथिली पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद SIL में क्या करना है, तो देखिए जो हिंदू छात्र है यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर संस्कृत टिक लगाएंगे, और जो यहाँ पर उर्दू वाले छात्र यहाँ पर HIN LLH हिंदी लगाएंगे, यानी कि नॉन हिंदी इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैथिली लिए हो तो उसको क्या करना है कि यहाँ पर नॉन हिंदी ही टिक लगाना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस सब में क्या करना है, आपको टिक लगा देना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर आप ऐच्छिक विषय लेना चाहते हैं तो इसको आप इनमें से कोई भी विषय ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इसे अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है देखिए, तो उसके बाद यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे, और नीचे बढ़ेंगे तो क्या किया इस तरह का यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, घोषणा समझे, यहाँ पर क्या करना है अपने पिता का सिग्नेचर करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना हिंदी में नाम लिखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर घर से थे, यहाँ देखिए इसका गलती हो गया था, इस रूप में यहाँ पर व्हाइटनर लगा लेना, तो इस बात को याद रखना व्हाइटनर का प्रयोग जो है यानी कि बाय चांस हम करेंगे, यानी कि हर बार हम व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है ना रद्द करा सकता है, ठीक है, कर सकता है आपके विद्यालय के द्वारा, ठीक है, इस बात को याद किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है अपना स्टूडेंट जो है
इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर अपना स्टूडेंट जो है ना यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करना है। इस वाला बॉक्स को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल्स में बता दिया कि किस रूप में यहाँ पर फॉर्म भरना है, यहाँ पर फोटो वगैरह लगा के। और यार इस बात को याद रखिएगा एक चीज समझे कि ये फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ, दो तरीका में से आपको जो भी अच्छा लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मेरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे उसकी जानकारी मैं आगे देने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसी फॉर्म को अगर डाउनलोड करेंगे तो जीरोक्स निकालेंगे, कुछ इस रूप में निकलवा लेंगे और सारा का सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद अपने विद्यालय में जाकर जमा कर देना है। जो भी इसका चार्ज है 320 रुपया, 350 रुपया, जो भी रखा गया 450 रुपया वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके विद्यालय से ये फॉर्म मिल सकता है। ठीक है, तो वहां से भी आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है। ठीक है, अगर आप है ना खुद से नहीं निकालना चाहते हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है विद्यालय में जाना है और फॉर्म देगा तो फॉर्म ले लेना है, वहां पर फिलअप करके आपको जो है जमा कर देना है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में बता दिया। आप चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस फॉर्म को किस रूप में डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे उनकी जानकारी बता देता हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है वो भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, बने रहे वीडियो में। फॉर्म डाउनलोड करने की सबसे पहले गूगल में जाना है, जो इस चैनल का नाम है पॉइंट ऑफ स्टडी, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, गूगल क्रोम में आप किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है पॉइंट ऑफ स्टडी, यहाँ पर लिख देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी .com देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टडी .com लिखा हुआ, सिंपल आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और यहीं पर देखिए BSEB अपडेट दिया हुआ, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 और फॉर्म एग्जाम 2025 यानी कि मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा जिसका 25 होने वाला उनका यहाँ पर दिया गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ आप देखिए सारा जानकारी दिया गया है, यहाँ पर से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे उनकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है, इस डॉक्यूमेंट्स को देख लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको छोड़ देना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर 13 डिजिट यूनिक आईडी जो है आपको जो है जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सिंपल डाउनलोड लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना खुद से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स बताया। अगर कोई आपको जानकारी अगर बच गया है, ठीक है, किसी तरह कोई समस्या है तो आप है ना हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक उसका बहुत बहुत धन्यवाद।